नमस्ते। ओशोज एंड टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ मोरालिटी की, और कार्ड ऑफ मोरालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो मोरालिटी में जाने से पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को थोड़ा समझेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक रेयर घटना है। ज़्यादातर जो है पुरुष के हाथ में जो है सॉर्ड दिखती है, लेकिन यहाँ पर क्वीन के हाथ में जो है सॉर्ड है। तो सबसे पहले तो एक ये चीज़ हमें समझनी है कि क्वीन यानी कि वो फेमिनिन प्रिंसिपल को दिखाता है, और फीमेल के पास सॉर्ड होना इसका मतलब हुआ कि एक फीमेल के पास जो है एक मेल क्वालिटी का होना, जो कि एक रेयर कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि एक वुमन को भीतर के जगत में तो स्थापित करता ही है, लेकिन बाहर के जगत में भी सक्सेसफुल बनाता है। और आजकल का टाइम कुछ ऐसा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्ट होती जा रही है, कि अगर आपने संसार को पूरी तरह से जीना है और परमात्मा को जीना है, तो ये दोनों तत्व जो है आपके भीतर होने चाहिए, कि आप संसार में भी जा सकें एक पुरुष की तरह, और भीतर जो है एक स्त्री की तरह अपने भीतर स्थापित भी हो सकें, कि प्रेम भी कर सकें और धन भी कमा सकें। और क्वीन होने के नाते प्रेम की जो क्वालिटी है वो स्वाभाविक है, लेकिन सॉर्ड होने के कारण उसका इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, और इस स्ट्रांग इंटेलेक्ट होने के कारण उसके अंदर विचार की शक्ति है, कि वो अपने पूरे जीवन को जो है क्लैरिटी के साथ जीना चाहती है, साफ सुथरे ढंग के साथ जीना चाहती है। वो किसी भी तरह की अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहती। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, लेकिन अगर हम इसको मोरालिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये मोरालिटी के साथ जो है मैच नहीं करता है। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स जो है मैच करते हों, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और मोरालिटी का जो है अपना ही अलग मतलब है, जिसकी अभी हम बात करेंगे। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है अपने आप में एक पावरफुल कार्ड है। इसमें फेमिनिन क्वालिटी भी है, इसमें मैस्कुलिन क्वालिटी भी है, इसमें अपने जीवन को दोनों आयामों में जीने की क्षमता है। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। अब बात करते हैं द कार्ड ऑफ मोरालिटी की। मोरालिटी का अर्थ होता है नैतिकता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पाप है ये पुण्य है, इन सब वैल्यूज़ को जो है हम नैतिकता बोलते हैं, हम मोरालिटी का नाम देते हैं। और मोरालिटी कुछ ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी से आती है, और हर सोसाइटी की अपनी मोरालिटीज़ हैं। और कार्ड में हम देख सकते हैं कि ये फिगर जो है मोरालिटी को फॉलो कर रही है, वो मोरालिटी वो नियम जो कि सोसाइटी से मिले हैं, और जिसके कारण जो है हम देख सकते हैं जो जीवन है वो पूरा का पूरा श्रिंक हो गया है, कि उसमें जैसे जीवन नाम की कोई चीज़ दिखती ही नहीं है। हाँ, हम ये देखते हैं कि एक डिज़ाइंड लाइफ ज़रूर हमें शो करती है, लेकिन वो डिज़ाइन लाइफ के अंदर कोई जान नहीं है, कोई जीवन नहीं है, वहाँ पे सब कुछ मरा हुआ है, वहाँ पे सब कुछ ब्लैक और वाइट है, ग्रे के लिए तो वहाँ पे जैसे कोई जगह ही नहीं है। और कार्ड ऑफ मोरालिटी का जो मैसेज है वो यही है कि जब तक कि आप इस बनावटीपन से जो है बाहर नहीं आएंगे, जब तक कि ये जो सोसाइटी के रूल्स जो आपके जीवन में जो क्रिएट हो रखे हैं उसको आप तोड़ नहीं देंगे, तब तक जो है आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक आपके जीवन जो है बेजान रहेगा, तब तक जो है उसमें फूल नहीं खिल सकते। गुरु ओशो का इसमें बहुत एक ब्यूटीफुल मैसेज है। वो ये बोलते हैं कि सारी मोरालिटी जो है झूठी है, कि सारी नैतिकता जो आपको सोसाइटी से मिली है, जो आपको पेरेंट्स से मिली है, जो आपको अपने परिवार से मिली है, ये सब झूठी है, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, कि इस लिस्ट में बताया जा रहा है कि ये करो ये ना करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, झूठ बोलना बुरा है, सच बोलना अच्छा है, चोरी करना पाप है, ये जो नियम है वो सारे के सारे जो बने हुए हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी बात जो समझने की है, जो गुरु यहाँ पे कह रहे हैं, वो ये कि जब तक कि आपके जीवन में होश और ध्यान नहीं आ जाता, जब तक कि आप जागना नहीं शुरू कर देते, तब तक सारी मोरालिटी जो है आपकी झूठी है। आपकी सारी मोरालिटी जो है वो एक एक्ट है, आपकी सारी मोरालिटी जो है एक हिपोक्रेसी है, कि ऊपर से तो जो है आप उस मोरालिटी का चेहरा ओढ़ लेंगे, लेकिन भीतर से जो है आप अपने आप को झूठ बोलेंगे। वो ये कहते हैं कि एक बार आपके जीवन में होश आ जाए तो आपसे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, फिर आपको जो है बाहर से मोरालिटी थोपने की ज़रूरत नहीं है। असली मोरालिटी वही है, असली नैतिकता वही है जो आपके होश से जन्मे, क्योंकि एक होशपूर्वक व्यक्ति जो है अपना रास्ता जो है खुद निकालेगा, वो खुद डिसाइड करेगा क्या उसके लिए ठीक है क्या उसके लिए ठीक नहीं है। उसके लिए जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात होगी कि वो सत्य के साथ जुड़ा होगा, कि वो कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता जो उसके उसके सत्य के साथ जो है जो मैच ना करता हो। तो ऐसा काम जो उसके सत्य के साथ मैच करता है
वो उसको मोरालिटी का अपना हिस्सा बना लेता है, और ऐसा काम जो उसके सत्य के साथ मैच नहीं करता वो उसको अपनी मोरालिटी का हिस्सा नहीं बनाता, फिर चाहे सोसाइटी उसको जितना भी सही कहे। इस बात को थोड़ा समझने की बात है कि मोरालिटी जो है हमेशा बाहर से थोपी गई है, कि बाहर के जो नियम हैं वो आपकी लाइफ के ऊपर जो है थोपने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर सोसाइटी की जो मोरालिटी है वो अलग है। हिंदू मोरालिटी अलग है, मुस्लिम मोरालिटी अलग है, क्रिश्चियन मोरालिटी अलग है। जो हिंदूज किसी चीज़ को ठीक करते हैं वो क्रिश्चियंस उसको गलत कहते हैं। सत्य तो सत्य है, सत्य इतने सारे तो हो नहीं सकते। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। और इसका निर्णय वही ले पाता है जिसके जीवन में होश और ध्यान आता है, जो अपने जीवन को एक अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करता है। वो अवेयरनेस डिसाइड करती है कि क्या उसकी लाइफ में मॉरल है और क्या मॉरल नहीं है, किस चीज़ को उसने स्वीकार करना है और किस चीज़ को उसने स्वीकार नहीं करना है। एक ईमानदार व्यक्ति जो है अपनी मोरालिटी जो है कभी भी बाहर से निर्मित नहीं करता, वो अपनी मोरालिटी जो है खुद क्रिएट करता है। उसकी मोरालिटी जो है उसके सत्य से आती है। और वो ये भी बोलते हैं कि मोरालिटी इसलिए भी दी जाती है ताकि जो है आपको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं बेहोश हैं, क्योंकि उनको जो है पता नहीं है उनके जीवन के लिए क्या ठीक है, तो सबके लिए जो है एक जैसे नियम और कानून जो है निकाल दिए जाते हैं। ये बेहोश व्यक्ति के लिए तो चल सकती है बात, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर होश आना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर ये फिक्स नहीं बैठेगा। इसलिए एक मोरालिटी को फॉलो करता हुआ व्यक्ति कभी भी आपको जो है समझदार नहीं दिखेगा, वो एक रोबोट की तरह दिखेगा। वो अपने जीवन को जो है एक ऑटो पायलट में जीता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है जो सोसाइटी ने उसको जो है दिया है, वो उसके अकॉर्डिंग ही जी रहा है। उसकी खुद की समझ वहाँ पे काम नहीं कर रही है क्योंकि उसने उसको जगाया नहीं है। और जब हम मोरालिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम मोरालिटीज़ में कह रहे हैं कि आदमी को सच बोलना चाहिए, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, उसको अपना जीवन जो है प्रेम पूर्वक जीना चाहिए, ये सब मोरालिटीज़ में जो है आपको बातें कही जा रही हैं। बातें तो अच्छी हैं, बातें तो सुंदर हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने जो है सत्य को नहीं जाना है तो वो सत्य कैसे बोल सकता है? एक व्यक्ति ने जिसने प्रेम नहीं जाना है वो प्रेम कर कैसे सकता है? तो अब तक जो है मोरालिटी को जो है हम उल्टा देखते हुए आए हैं। हम कहते हुए आए हैं कि इन नियमों को जो है आप अपने जीवन में उतारो तो आपके जीवन में धर्म आ जाएगा, कि आप रिलीजियस हो जाओगे। और देखा जाए तो बात उल्टी है कि जब आप रिलीजियस हो जाओगे, जब आप अपना जीवन जो है सत्य में जीने लगोगे, तो ये सब बातें जो हैं अपने आप होने लग जाएंगी, कि आप सत्य बोलोगे, आप चोरी नहीं करोगे, आप वो ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे जो है आपको दुख मिलता हो। और आपका होश जो है वो निर्णय करेगा आपके लिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और असली बात वही होगी जब इस तरह की मोरालिटी आपके भीतर जन्म लेगी। तो मोरालिटी बहुत रिलैक्स होनी चाहिए, वो इम्पोज नहीं होनी चाहिए, उसको जो है आप लाद नहीं सकते किसी के ऊपर। वो एक बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हो सकती है। आप उसको एक्ट नहीं कर सकते, आप उसको अपने भीतर जन्मा सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक्ट करा तो आप जो है हिपोक्रेट हो जाओगे, तो आप चाहो भी तो अपने जीवन में फूल जो है डायरेक्टली नहीं खिला सकते। सबसे पहले उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको आप पानी देंगे, उसको धूप देंगे, उसको जो है अच्छे से उसको खाद देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो उसके रिजल्ट में जो है फूल आएगा। फूल जो है डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। एक पुराने समय की बात है कि एक राजा की मृत्यु का समय करीब था और वो चाहता था कि उसका जो बेटा है वो अब राजगद्दी में बैठे, और राजा चाहता था कि जो उसका बेटा है वो अच्छे से नैतिकता को सीख ले, अच्छे से मोरालिटी को सीख ले, ताकि वो अच्छे से राज्य चला सके। तो उसके पिता ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम नैतिकता का पाठ जो है अपने जीवन में उतारो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गुरु से ये सीखो, और मैं बूढ़ा हूँ, मेरी मृत्यु का समय करीब है, और मैं चाहता हूँ तुम जितनी जल्दी जा सको जाओ और ये नैतिकता का पाठ सीख के आओ। बेटे को बात समझ में आई और वो जो है उस मास्टर के पास, उस गुरु के पास जो है नैतिकता सीखने के लिए गया। लेकिन जब वो उस गुरु के पास पहुंचा तो वो देख के बड़ा हैरान हुआ। उसने देखा कि जो गुरु हैं वो तो धनुर्विद्या सिखाते हैं, ये नैतिकता कैसे सिखाएंगे? तो जब उसने जो है उस गुरु को देखा तो वो यकीन नहीं कर पाया। वो गुरु देखने में बहुत सुंदर था, उसकी जो वाइब्स थी बहुत शांति वाली थी और बहुत रिलैक्स थी, लेकिन वो ये देख के हैरान था कि गुरु जो है वो तो धनुर्विद्या करता है, ये नैतिकता मुझे कैसे सिखाएगा?
तो वो गुरु के पास गया, उसने कहा कि मेरे पिता ने जो है मुझे भेजा है आपके पास नैतिकता का पाठ सीखने के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप धनुर्विद्या सिखाते हैं, तो आप मुझे नैतिकता कैसे सिखाएंगे? तो गुरु ने कहा उसकी चिंता मत करो, अभी जो मैं कहता हूँ जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो बेटे ने कहा लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पिता जो हैं वृद्ध हैं और उनकी मृत्यु का समय करीब है, मुझे जल्दी ही यहाँ से जाना पड़ेगा। तो गुरु ने कहा कि अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो तू चले जा, मैं ऐसे नहीं सिखा सकता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तेरे अंदर जो है बहुत धैर्य होना चाहिए, अगर तू धैर्य नहीं रख सकेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं सिखा सकता। तो उस राजा के बेटे ने उस गुरु की आंखों में देखा, उसने देखा कि यहाँ पे उसकी नहीं चलेगी, मुझे इसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो वो राजी हो गया। तो उसने कहा ठीक है, बताइए कि पहला पाठ क्या है। तो गुरु ने कहा यही पहला पाठ था, पहला पाठ यही है कि तेरे भीतर जो है बहुत धैर्य होना चाहिए, मुझे इतनी सी भी तेरे अंदर जल्दबाजी नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो मैं जो है दूसरा पाठ नहीं बता पाऊंगा। तो बेटे ने स्वीकार किया और उसने कहा कि अच्छा अब दूसरा पाठ क्या है। तो उसने कहा कि अब दूसरा पाठ ये है कि अब तेरे को जो है आश्रम की सेवा करनी है, झाड़ू पोछा लगाना है, पौधों को पानी देना है, टॉयलेट साफ करना है, किचन में खाना बनाना है, ये सब काम तुझे करने हैं। तो राजा के बेटे ने कहा कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं यहाँ नैतिकता सीखने आया था, ये आप मुझसे ये सब काम क्यों करवा रहे हो? तो गुरु ने कहा ये तेरी जो है शिक्षा का एक एक पार्ट है और तेरे को ये भी करना है, और साथ में मैं तेरे को एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब तू ये काम कर रहा होगा तो मैं जो है पीछे से लाठी लेके आऊँगा और तेरे ऊपर वार करूँगा। तो तेरे को जो है एक चीज़ हमेशा रखनी पड़ेगी, वो है होश। अगर तेरे भीतर होश नहीं होगा, अगर तू बेहोशी में काम कर रहा होगा, तो मैं जो है तुझे डंडा मारूंगा, और डंडे से बचने का एक ही तरीका है, तेरे को हर वक्त होश रखना पड़ेगा। तो शुरू शुरू में तो उस शिष्य ने बहुत सारे डंडे खाए गुरु से, फिर लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जो है एक होश जो है जगने लगा, कोई चीज़ थी जो उसके भीतर जागने लग गई, एक इंट्यूशन थी जो उसके अंदर जागने लग गई, जो देखने लग गई कि वो काम कर रहा होता, एकदम से उसके भीतर कोई चीज़ जो है अलर्ट हो जाती कि गुरु जो है हमला करने वाला है, और वो जाग जाता, वो एकदम से उसके अंदर होश आ जाता और वो गुरु के वार से बचने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब गुरु जो है 24 घंटे जो है उसके ऊपर हमला नहीं कर पाया, और ये बात देख के गुरु बहुत खुश हुआ, उसने कहा अब जो है इसका नेक्स्ट लेवल जो है तेरे को क्लियर करना है। तो शिष्य ने कहा नेक्स्ट लेवल क्या है? गुरु ने कहा कि नेक्स्ट लेवल ये है कि अब तू सोया होगा तब मैं जो है तेरे को तेरे ऊपर हमला करूँगा, अब तक तू जागा होता था तब मैं हमला करता था, अब तू सोया होगा तब मैं हमला करूँगा, तो अब तेरे को जो है सोते हुए भी होश रखना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से और समय बीता, उसको जो है सोते हुए में जो है बहुत डंडे पड़े। फिर एक घटना घटी कि जब उसका शरीर सो रहा था लेकिन उसके भीतर कुछ जाग रहा था, और गुरु जो है जैसे ही हमला करने को था वो एकदम से उचक के जो है अपने बेड से बैठ गया और जो है उस वार से बच गया। गुरु बहुत प्रसन्न हुआ, गुरु ने कहा कि अब इसका नेक्स्ट लेवल। अब शिष्य के भीतर जो है बहुत चेंजेस आ रहे थे, उसका जो है होश बढ़ रहा था दिन बर दिन, और इस शिष्य के मन में जो है इस गुरु के प्रति जो है बहुत प्रेम और श्रद्धा भी जो है घट रही थी, इसलिए वो हर टेस्ट के लिए रेडी था, वो हर लेवल के लिए रेडी था। तो उसने पूछा कि अब नेक्स्ट लेवल क्या है? गुरु ने कहा कि नेक्स्ट लेवल ये है कि अब मैं तेरे ऊपर जो है असली तलवार से हमला करूँगा, और असली तलवार जो है कोई खेल नहीं है, इसमें जो है तेरी जान भी जा सकती है, इसलिए अब तेरे को जो है बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। शिष्य थोड़ा झिझका, लेकिन वो गुरु की आंखों में जब उसने देखा तो उसने कहा कि ठीक है मैं करूँगा। तो शिष्य ने उसी होश को जो है और बढ़ा दिया। जब भी गुरु जो है उसके ऊपर हमला करने को होता था, शिष्य का जो होश था उसको बचा लेता था। एक दिन जो है शिष्य जो है बुहारी लगा रहा था, और उसने दूर अपने गुरु को जो है बैठे हुए देखा, और उसके मन में एकदम से एक विचार आया कि इस गुरु ने मेरे को बहुत तंग करा है, क्यों ना मैं इसके ऊपर एक बार हमला करके देखूं, देखता हूँ ये अपने आप को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। उसी वक्त जो है गुरु ने उसकी तरफ देखा और बोला कि देख, जब तू हमला करेगा तो मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूँ। गुरु ने जैसी ही ये बात बोली, शिष्य तो यकीन नहीं कर पाया, उसने जो है गुरु के पैर छुए और उसने कहा कि आपने जो है मेरे मन को पढ़ लिया। तो गुरु ने कहा कि हाँ, जैसे जैसे तुम शांत होगे तो तुम मन के विचारों को भी पढ़ पाओगे, मन की सारी हरकतों को देख पाओगे। फिर चौथे लेवल का टाइम आया,
और अब गुरु ने कहा कि अब तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं असली तलवार के साथ जो है तेरी नींद में तेरे को जो है हमला करूँगा। लेकिन इस बार जो था शिष्य तैयार था, और वही हुआ कि जब शिष्य सो रहा था और गुरु ने जब हमला करा तो उसके भीतर कुछ था जो जागा हुआ था, और गुरु जो है उसके ऊपर वार नहीं कर पाया। ये देख के गुरु जो है बहुत प्रसन्न था। फिर एक और घटना घटी जब उसने अपने गुरु को जो है पेड़ के नीचे किताब पढ़ते हुए देखा, और उस वक्त जो है शिष्य कुछ काम कर रहा था, लेकिन एकदम से वो अलर्ट हो गया, वो होश से भर गया, क्योंकि उसको एकदम से एक विचार जो है उसके पास पहुंचा कि जिसने बताया कि गुरु जो है हमला करने वाला है। उसने उसी वक्त जो है गुरु की तरफ देखा और गुरु से पूछा, गुरु जी मुझे पता है आप मेरे ऊपर हमला करने वाले हो। गुरु जो है मुस्कुराया, उसने कहा कि तूने बिल्कुल सही पहचाना, ये बस पन्ना ख़त्म करने को ही था और मैंने सोचा था कि अब मैं तेरे ऊपर जो है वार करने आऊँगा, और मुझे खुशी है कि तू अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। अब तू घर वापस जा सकता है, अब तू राज्य को संभाल सकता है। लेकिन शिष्य ने बोला कि आपने मुझे नैतिकता तो सिखाई नहीं। तो गुरु ने कहा उसकी चिंता मत कर, तेरे भीतर जो है होश का जन्म हो गया है, और इस होश के कारण जो है तेरे भीतर जो है जो भी अब होगा वो ठीक ही होगा, वो नैतिक ही होगा, अब तुझसे बुरा होना बड़ा कठिन है। तो इस कहानी का मैसेज बहुत सुंदर है। वो मैसेज यही है कि अगर आपके भीतर जो है नैतिकता जो है जन्म ले लेगी, तो आपको भी जो है नैतिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी अपने ऊपर लादने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक ही काम करना है कि अपने भीतर का होश जगाना है। और जिस दिन होश वो जाग जाएगा, जितने ज़्यादा जो है आपके अंदर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, मेडिटेटिवनेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी, उतना ही कठिन हो जाएगा कि आपसे कुछ गलत हो सके, और तब जो है आपके जीवन में पहली बार जो है असली नैतिकता का जन्म होगा। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।